हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शहरों के चर्चित उपनाम। और इस वीडियो को जो है यूपीपीएससी 2017 प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स की प्रकृति को देखते हुए ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आपसे आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर भी सिलेबस को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि हम आपको अधिक से अधिक जो है वो इंफॉर्मेटिव मटेरियल प्रदान कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो है आपका लखनऊ, इसको जो है नवाबों या बाबू के शहर के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये इसका उपनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज, कन्नौज जो है कन्नौज इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उपनाम क्या है? इत्र नगरी। मेरे द्वारा इस वीडियो में कोशिश की गई है कि मैं आपको जो है ये मैप के माध्यम से जो है इसको काफ़ी आसान कर दूं आपके लिए, ताकि आप इसे एक दो बार देखकर याद कर सकें। अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो कमेंट लाइन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, मेरी हिम्मत को बढ़ाएं, और नहीं तो वो भी बताएं, और इसमें आप क्या परिवर्तन चाहते हैं ये ज़रूर लिखें। आगे बढ़ते हैं बरेली। बरेली जो है, बरेली को बीत या बांस बरेली भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? बीत या बांस बरेली। क्यों? यहाँ बीत जो है बहुतायत और बांस बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं आपका मेरठ। मेरठ जो है वो कैंची नगरी या क्रांति का शहर कहा जाता है। क्रांति का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1857 की क्रांति का शुभारंभ यहीं से हुआ था, इसलिए। आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद, जिसे हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये राम मुरादाबाद, इसे हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पीतल के बर्तन बहुत अधिक मात्रा में जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं, बनाए जाते हैं अधिकतर, इसलिए इसे हम पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अलीगढ़। आप सबको पता होगा कि अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए फेमस है, इसलिए इसका जो उपनाम है वो ताला नगरी है। ठीक है, ताला नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कानपुर। कानपुर जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है कानपुर रूरल, ये देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कानपुर रूरल, और एक है कानपुर अर्बन, यानी कानपुर ग्रामीण और कानपुर नगरी है। ठीक है, जो कानपुर अर्बन है उसमें उद्योग नगरी काफ़ी मात्रा में विकसित है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसे उद्योग नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं बनारस, जिसे हम घाटों या अखाड़ों का नगर कहते हैं। ये देखिए, ये है बनारस, जिसे हम घाटों या अखाड़ों का नगर कहते हैं। नेक्स्ट आपका गाजीपुर। गाजीपुर जिसे काशी की बहन या अफीम उत्पादक, ये एक अफीम उत्पादक जिला भी है, बहुत अधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है यहाँ, इसलिए इसे अफीम उत्पादक जिला भी कहा जाता है और काशी की बहन। आगे बढ़ते हैं आपका फिरोजाबाद। ठीक है, जिसे चूड़ी नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और अंत में है आपका गोरखपुर, जो कि नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ शहर और उनके चर्चित नाम उत्तर प्रदेश के। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से अरेंज करने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आप को इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास कोई सुझाव है, जो भी है, आप उसे कमेंट लाइन पर लिखें, या आप इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं, कुछ भी हो, आपको ये तरीका सही लगा गलत लगा, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट लाइन पर लिखें। इसे लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं। आपके कमेंट मुझे इंकरेज करेंगे आगे वीडियो बनाते रहने के लिए, सो प्लीज़ करें, अदरवाइज़ मैं यहीं पर इन वीडियोज़ को क्विट कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।